हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी क्या होती है, ईसीजी की खोज किसने करी और ये हमें क्यों इम्पोर्टेंट है, ईसीजी की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो ईसीजी क्या होती है? ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज होती है ना अपने हार्ट की, उनको ग्राफिकल वे के अंदर रिप्रेजेंट करना ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की खोज किसने करी? इसकी खोज सबसे पहले 1903 के अंदर इंथोवेन नामक वैज्ञानिक ने करी थी, जिनको आगे चलकर 1924 में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। तो अपन इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ईसीजी के बारे में थोड़ा सा अपन जानते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है। तो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। तो अपन इसको टुकड़ों में ब्रेक्स करेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स, कार्डियो का मतलब अपना हार्ट, एंड ग्राम का मतलब ग्राफ। जो अपनी हार्ट की इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ग्राफिकल वे के अंदर रिप्रेजेंट करना ही ईसीजी कहलाता है। समझ आया बच्चों? वापस से समझते हैं कि अपने जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को एक ग्राफिकल वे के अंदर रिप्रेजेंट करना ही ईसीजी कहलाता है। तो ईसीजी कैसी होती है? ईसीजी बनती है ऐसे। तो इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं अपन। इसको पी वेव बोलेंगे, इसको क्यू वेव बोलेंगे, इसको आर एंड एस और ये टी। कभी कभी क्या होता है कि यू वेव भी बन जाती है, इसको यू वेव भी बोलते हैं। तो ये जो ईसीजी पैटर्न बनता है, ये बनता है अपने हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस निकलती है ना, उनको इस वे में रिप्रेजेंट करना है कि रिप्रेजेंट करता है कि हार्ट ऐसे एक्चुअली में वर्क कर रहा है। तो अपन इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये कैसे बनता है, क्यों बनता है और इससे क्या पता लगता है, तो अपन आगे पढ़ेंगे। जो ये कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, अब हम पढ़ते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट के बारे में कि कंडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है अपने हार्ट का और ये कैसे इंपल्सेस निकलती हैं वहां से। तो उसको समझने के लिए अपन थोड़ा सा समझते हैं। अपन ये अपना हार्ट है, मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये अपना हार्ट है, ये हार्ट के चार चैम्बर्स हैं, ठीक है? ये ज़्यादा मत समझना, ये रफली डायग्राम के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो अपना जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो ये जो ऊपर जो होते हैं ना उनको एट्रियाज बोलते हैं और जो नीचे जो होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो हार्ट के चार चैम्बर होते हैं, दो निलय और दो आलिंद हिंदी में जिनको बोलते हैं। तो ये अपर पार्ट को क्या बोलेंगे? एट्रिया, और नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल्स। समझ आई बात? तो एट्रिया दो होते हैं, एक होता है राइट एट्रियम और ये होता है लेफ्ट एट्रियम। जो लेफ्ट साइड रहेगा उसको लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे और जो राइट साइड की तरफ रहेगा उसको राइट साइड वाला पार्ट बोलेंगे। तो अपन एट्रिया को डिवाइड कर दिया, अब वैसे ही नाम देंगे अपन इसको राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर LV। तो समझते हैं कि कैसे ये इंपल्सेस जनरेट होती हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके टिश्यूज के बारे में, क्योंकि हार्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उनको बारे में अपन थोड़ा सा जानते हैं, उनके नाम पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन उनके नाम जान लेते हैं, फिर उनकी डिटेल्स में जाएंगे। तो सबसे पहले अपन नाम पढ़ेंगे, सबसे आगे रहेगा एसेनोड। एसेनोड जिसका नाम होता है साइनो एट्रियल नोड। फिर सेकंड वाला आएगा, ये पहला स्पेशलाइज्ड टिश्यू का नाम है, सबसे पहले है एसेनोड। फिर आएगा एवी नोड। कौन सा आएगा बच्चों? एवी नोड। एवी नोड का फुल फॉर्म एट्रो वेंट्रिकुलर
नोड। सबसे पहले कौन सा हो गया, एस ए नोड हो गया, सेकंड एवी नोड हो गया, और थर्ड आता है बंडल ऑफ हिज। उसके बाद बंडल ऑफ हिज अपने दो सब ब्रांच के अंदर डिवाइड होता है, एक ब्रांच जाएगी राइट की तरफ, एक जाएगी लेफ्ट की तरफ। जो राइट की तरफ जाएगी उसको राइट बंडल ब्रांच बोलेंगे, और जो लेफ्ट की तरफ जाती है उसको लेफ्ट बंडल ब्रांच बोलते हैं। तो इसके दो पार्ट निकाल दिए अपन ने, एक जाएगा राइट साइड की तरफ और एक जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, जो राइट की तरफ जाएगा उसको राइट बंडल ब्रांच, और जो लेफ्ट की तरफ जाएगा उसको लेफ्ट बंडल ब्रांच। और जो ये जो लेफ्ट और राइट जो बंडल ब्रांच है वो अपना इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी जो इम्पल्स जो होती है ना वो आगे भेजती है पुरकेंजे फाइबर्स के अंदर। सबसे पहले एस ए नोड, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज दो पार्ट में डिवाइड होता है और वो दो पार्ट आगे जाके पुरकेंजे फाइबर्स में डिवाइड होते हैं। तो पुरकेंजे फाइबर, कंप्लीट। ये था अपना स्पेशलाइज्ड टिश्यू के बारे में अपन ने समझा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एस ए नोड को क्या बोलते हैं, साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड क्या होता है, जो कि नेचुरल पेसमेकर के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल पेसमेकर, क्योंकि सबसे पहले ऐसे नोड के थ्रू ही जो इम्पल्सेस निकलती है। इम्पल्स का मतलब जो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स होते हैं वो ऐसे नोड के थ्रू ही आते हैं और बाकी के हिस्सों में फिर चले जाते हैं। वो किसके थ्रू जाते हैं, हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल जो पाथवे होता है ना उसके थ्रू वो चले जाते हैं, ठीक है। तो हार्ट के ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ये होता है अपने राइट एट्रियम के सुपीरियर पार्ट पे। राइट एट्रियम कहां पे होता है हार्ट के अंदर, मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको डायग्राम के थ्रू। रफली डायग्राम है ये अपना, ये अपना राइट एट्रियम है, और राइट एट्रियम के सुपीरियर पार्ट, सुपीरियर का मतलब ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ अपना ये क्या होता है, एस ए नोड होता है, और यहीं से क्या निकलती है, एक एसवीसी। एसवीसी मतलब सुपीरियर वेना केवा। एसवीसी यहां से निकलेगी और इसके जस्ट साइड में क्या होता है, एसए नोड होता है। एसए नोड होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पाथवे होता है, इंट्रानोडल पाथवे जिसको बोलते हैं। उसके बाद एसए नोड जब फायर करेगा तो ये अपनी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ना इस पाथवे के थ्रू पूरे हार्ट को सप्लाई होती है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। समझ आया, पापा से देखते हैं कि ऐसे नोड कहाँ पे होता है, इसको क्या बोलते हैं, और ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, साइनोएट्रियल नोड। ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं, और इसको नेचुरल पेसमेकर भी बोलते हैं। और इसके थ्रू एक इम्पल्स क्या बोलते हैं इसको, साइनस बोलते हैं। अगर साइनस रिदम के बारे में बात करता हूँ मैं थोड़ा सा, कि साइनस रिदम क्या होती है, जब कोई भी इम्पल्स सबसे पहले ऐसे नोड से निकलती है ना तो उसको साइनस बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे हार्ट की जो कंडक्शन सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सी चीज़ होती है, ऐसे नोड। अगर ऐसे नोड अगर ही काम करना बंद कर देगा तो अपनी साइनस रिदम वहाँ पे नहीं होगी, साइनस रिदम नहीं होगी, तो हार्ट की जो कंडक्टिविटी होती है ना वो इफेक्टेड होती है, कि हार्ट थोड़ा सा कम काम करेगा, थोड़ा नहीं उसके अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, हार्ट की जो मैकेनिज्म है उसके अंदर थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो साइनस रिदम क्या होती है, जो ऐसे नोड से जो इम्पल्स निकलती हैं उसको बोलते हैं साइनोएट्रियल, और साइनोएट्रियल नोड की जो रेट होती है वो कितनी होती है, 60 to 100 पर मिनट, 100 और 60 तक रहती है इसकी रेट। अब हम पढ़ेंगे एबी नोड के बारे में। तो एबी नोड क्या होता है और कहाँ पे होता है, एबी नोड होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। जब ऐसे नोड जब फायर करके इंट्रानोडल पाथवे के थ्रू करंट कहाँ पे जाएगा, एबी नोड के अंदर। तो अपना टॉपिक क्या रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, एबी नोड।
एवी नोड का फुल फॉर्म एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो ये ऐसे नोड से साइज में क्या होता है, कम होता है। ऐसे नोड का साइज बड़ा होता है, इसका छोटा होता है। तो पहला पॉइंट ही बन जाता है अपना, ऐसे नोड से साइज में कम होता है, ऐसे नोड से साइज कम होता है किसका, ऐसे नोड से साइज किसका कम होता है, एवी नोड का। एवी नोड छोटा होता है। तो एवी नोड कहाँ पे होता है, एवी नोड सिचुएटेड होता है कहाँ पे होता है, सब एंडोकार्डियल सब एंडोकार्डियल, हार्ट के अंदर लेयर्स जो होती है ना, उसके सब एंडोकार्डियल लेयर के अंदर नियर द कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस के पास और ट्राइकस्पिड वॉल्व के ऊपर थोड़ा सा ये साइनोएट्रियल नोड सिचुएटेड होता है। एक रफली डायग्राम के थ्रू मैं आपको बना के बताता हूँ। ये अपना ऐसे नोड हो गया, ये अपनी वेंट्रिकल्स और ये एट्रियास, ठीक है। तो ये जो राइट एट्रिया है और ये है ट्राइकस्पिड, इन दोनों को अलग करने वाला ट्राइकस्पिड। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे इसके अपर पार्ट ट्राइकस्पिड से थोड़ा सा ऊपर और जो हार्ट की जो सब एंडोकार्डियल लेयर है ना उसके अंदर, और यहीं से अपना एरोटा जब निकलता है तो एरोटा के अंदर सब कोरोनरी साइनस एक जगह होती है जहाँ पे कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं, तो ये यहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो ऐसे नोड जब फायर करेगा तो करंट जाएगा एट्रियाज के अंदर और एट्रियाज से करंट आके एवी नोड में मिलेगा, और एवी नोड मिलकर आपने जो भी करंट है वो किस में ट्रांसफर करेगा, ये बंडल ऑफ हिज में, ये बंडल ऑफ हिज में अपना ट्रांसफर कर देगा। तो अपन इसकी रेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो एवी नोड की जो रेट होती है ना, रेट वो क्या रहती है, 40 to 60 पर मिनट। और ऐसे नोड की कितनी थी, ऐसे नोड की कितनी थी रेट, 60 to 100 पर मिनट। जब जैसे कभी मान लो कि ऐसे नोड काम करना बंद कर दिया, ऐसे नोड काम करना बंद कर दिया, तो उसके बाद जो एवी नोड है ना ये अपना काम करना स्टार्ट करता है। कई बार क्या होता है कि कुछ बीमारियों के अंदर ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है, उसके बाद एवी नोड आगे की मैकेनिज्म को कंप्लीट करता है, कौन, एवी नोड, ठीक है। ऐसे नोड से जो इंपल्स आई एवी नोड के अंदर, एवी नोड के जो राइजन होते हैं ना उसको, इनको तीन भागों में बांट दिया गया कि पहला है हाई, दूसरा मिडिल और तीसरा है लो, और ये क्या है, नोडल। ठीक है, तो ये इसके राइजन कितने होते हैं, तीन, हाई मिडिल और लो, जिनके थ्रू इंपल्स निकलती है। तो ये इसके तीन पार्ट, सबसे ऊपर क्या हो गया, ये एवी नोड है, सबसे ऊपर हाई, ये मिडिल और ये थर्ड लोअर पार्ट। जो कंडक्शन सिस्टम से जो इंपल्स निकलेंगी ना एवी नोड के थ्रू, वो अपने अपने राइजन, मतलब कि जो एक स्पेशल साइट होती है वहाँ से ओरिजिनेट होंगी, उसको तीन पार्ट के अंदर अपन ने यहाँ पे लिख दिया, हाई मिडिल और लो। और इसको कैसे जानेंगे कि ये कहाँ से निकल रही है, उसके लिए पी वेव जो होती है ना, तो पी वेव की मॉर्फोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है, इसके बारे में पूरा बताती है, कौन, पी वेव की मॉर्फोलॉजी। तो पी वेव की जो आकारिकी को समझने के लिए अपन को पूरा एक कंडक्शन सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एवी नोड को समझ लिया अपन ने कि एवी नोड क्या होता है, एवी नोड कहाँ पे होता है, एवी नोड का साइज क्या होता है, एवी नोड की रेट क्या होती है, उसके तीन नोडल्स होते हैं, हाई नोडल, मिडिल नोडल और लो वाला, सबसे नीचे वाला लो, बीच में मिडिल और सबसे ऊपर हाई। अपन ने ऐसे नोड के बारे में जान लिया, एवी नोड के बारे में जान लिया। अब थर्ड आता है अपना बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज क्या होता है,
जो एवी नोड के बाद जो करंट सप्लाई होगा किसमें होगा, बंडल ऑफ हिज के अंदर करंट सप्लाई होगा। तो बंडल ऑफ हिज क्या हो गया, एवी नोड के जस्ट नीचे वाला पार्ट, एवी नोड के और ये कनेक्टेड होते हैं जस्ट लाइक ए टेल, जैसे पूंछ नहीं होती एक वैसे। तो एवी नोड सिंपल्स का कहाँ पे आई, बंडल ऑफ हिज के अंदर। तो बंडल ऑफ हिज अपने सब ब्रांचेज में डिवाइड भी होता है, एक तो होता है राइट की तरफ जो जाएंगी वो राइट बंडल, और जो लेफ्ट की तरफ जाएगी उसको लेफ्ट बंडल ब्रांच बोलते हैं। तो हमने ऐसे नोड भी पढ़ लिया, एवी नोड भी पढ़ लिया। अब एवी नोड के बाद जो करंट सप्लाई होगा वो बंडल ऑफ हिज में होता है। एवी नोड से जो कंडक्शन सिस्टम का जो इंपल्स जाएंगी वो नेक्स्ट पार्ट में कहाँ पे जाएंगी, बंडल ऑफ हिज के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी। बंडल ऑफ हिज कहाँ पे होता है, बंडल ऑफ हिज होता है दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ना उसके बीच में सिचुएटेड होता है बंडल ऑफ हिज। तो उसका नोमेनक्लेचर जस्ट एवी नोड के जस्ट नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज का भी अपना एक रेट होता है, इसका रेट होता है 20 to 40 पर मिनट। जब कभी एवी नोड काम करना बंद कर देता है तो बंडल ऑफ हिज अपनी जो इनिशिएट पावर होती है ना वो जनरेट करता है, इसके क्या होती है 20 to 40 बीट पर मिनट। अपन ने ऐसे नोड के बारे में जान लिया, एवी नोड के बारे में जान लिया, अब जानेंगे बंडल ऑफ हिज के बारे में। जब एवी नोड से कंडक्शन सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो बंडल ऑफ हिज में आता है, क्योंकि एवी नोड ने कंडक्शन सिस्टम में जो भी इंपल्स आई उसको अपने अंदर ले लिया, अब वो आगे ट्रांसफर करेगा बंडल ऑफ हिज के अंदर। तो एवी नोड के जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है बंडल ऑफ हिज, एवी नोड के जस्ट नीचे बंडल ऑफ हिज। वो कहाँ पे होता है, दोनों जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम जो इनको अलग करता है, इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टम, उसके बीच में बंडल ऑफ हिज सिचुएटेड होता है। ठीक है, इंपल्स आई कहाँ से, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज के अंदर। और बंडल ऑफ हिज का जो सब डिवाइडेशन है उसमें दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो लेफ्ट की तरफ जाएगा उसको लेफ्ट बंडल ब्रांच, और जो राइट की तरफ जाएगा उसको राइट बंडल ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा अपन समझते हैं कि एवी नोड आ गया ऐसे नोड से, एवी नोड में आया। अब एवी नोड के अंदर जो आएगा ना, एवी नोड से जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा अपना बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज के बारे में समझ में आया थोड़ा सा, कि बंडल ऑफ हिज एवी नोड के जस्ट वाला पार्ट होता है, जस्ट नीचे वाला पार्ट। और ये एक जब अपन देखेंगे ना तो जस्ट लाइक ए टेल की स्ट्रक्चर के रूप में होता है, कि एवी नोड और बंडल ऑफ हिज एक टेल के रूप में जुड़ा हुआ होता है, एक पूंछ की तरह जुड़ा हुआ होता है। तो अब इसके भी सब ब्रांचेज हैं, बंडल ऑफ हिज के भी सब ब्रांचेज। एक जो राइट साइड की तरफ जाएगा उसको राइट बंडल ब्रांच बोलेंगे, और जो लेफ्ट की तरफ जाएगा उसको लेफ्ट बंडल ब्रांच बोलेंगे। अब कई कंडीशन के अंदर क्या होता है कि एवी ब्लॉक हो जाता है, एवी नोड काम करना बंद कर देता है, एवी नोड ब्लॉक हो गया। तो इस कंडीशन के अंदर जो बंडल ऑफ हिज की जो रेट होती है ना, वो रेट होती है 20 to 40 पर मिनट। तो ये अपनी रेट इनिशिएट करता है, निकालता है। ठीक है, अब जो रेट आएगी, बंडल ऑफ हिज ने अपना ले लिया यहाँ से इंपल्स एवी नोड से, बंडल ऑफ हिज से जो नेक्स्ट जाएगा राइट साइड की तरफ जाएगा, एक लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। और बंडल ऑफ हिज कहाँ पे होता है, जो वेंट्रिकल्स आर वी और एल वी के बीच में जो सेप्टम होता है ना, सेप्टम जो इनको अलग करता है, उन सेप्टम को क्या बोलते हैं, इंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर बंडल ऑफ हिज होता है। फिर आगे जाके इसके सब ब्रांच होते हैं, राइट बंडल लेफ्ट बंडल। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन राइट बंडल के बारे में। तो मैं एक रफली डायग्राम के रूप में मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा, ये अपना आर वी और ये अपना एल वी, और जो ये अपना सेप्टम हो गया। ठीक है, यहाँ पे एवी नोड था और ये बंडल ऑफ हिज आ गया, बंडल ऑफ हिज आ गया। ठीक है, अब बंडल ऑफ हिज के बाद जब करंट फ्लो होगा इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू, एक जाएगा इसमें जाएगा और एक जाएगा इसमें जाएगा, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड हो गया हार्ट का, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट वाला ब्रांच, और जो राइट वाला है इसको बोलेंगे राइट बंडल ब्रांच। ठीक है, अब जो करंट आया, इंपल्स आई, ठीक है, वो अपने सब ब्रांच में डिवाइड हो गई, और सब ब्रांच में डिवाइड होके फिर आगे कहाँ पे चली जाती हैं,
जो एक फाइबर नुमा संरक्षण स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं पुरकिंजे, फाइबर। पुरकिंजे फाइबर जब इन दोनों ब्रांच में जाएगा ना, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा कि पुरकिंजे फाइबर इनको ऑब्जॉर्ब करके वेंट्रिकल्स में सप्लाई कर देता है, जो वेंट्रिकल्स हैं उसमें उनकी मसल्स को सप्लाई कर देता है, जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल करता है उसको। ठीक है, तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था बंडल ऑफ।